कहानी की शुरुआत होते ही हम एक जैक नाम के बंदे को देखते हैं। अब एक कार एक्सीडेंट में जैक ने अपने पैरों और अपनी बेटी और अपनी बीवी को भी खो दिया था। अभी वो अपने घर में अपने दोस्त के साथ अकेला रहता है। अभी एक दिन जैक अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, लेकिन पास की दीवार में से उसे कुछ आवाजें आती है। वो टेटोस्कोप लगाकर उसे सुनने की कोशिश करता है और उस टेटोस्कोप को वो अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए अगले दिन वो पास की दीवार में एक छोटा सा छेद करता है और वहां पर माइक्रो कैमरा फिट कर देता है। जैक ने अपना ऊपर का कमरा रेंट पर देने के लिए एक एड दिया था, इसीलिए अगले दिन वहां पर एक लेडी आती है जो जैक को कहती है कि मुझे ये घर रेंट पर लेना है, यानी कि यह कमरा। जैक उसे रेंट पर अपना कमरा दे भी देता है और अगले दिन डेजी अपनी बच्ची के साथ वहां पर रहने के लिए भी आ पहुंचती है। जैक फाइनल एक बात नोटिस करता है कि डेजी की बेटी कभी भी बात नहीं करती और वो हमेशा घर में छुपी छुपाई फिरती है। डेजी हमेशा जैक के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है और जब भी मन चाहे तब वो घर में लाउड स्पीकर बजाती है। शाम के वक्त जैक भाई लोग अपने कंप्यूटर में देखते हैं तो कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ था कि पास के घर में कुछ लोग थे जो कि बड़े विस्फोटक की बात कर रहे थे और वो क्रिसमस के दिन कई बार फुल ऑन धमाका कर रहे होने थे, यानी कि ये सालों का मंजर यहाँ पर भोपाल टाइट करते ऐसा था। जैक साथ में ये भी देखता है कि डेजी भी उन लोगों के साथ है और उन लोगों के साथ मिली हुई है। वो जानबूझ पर यहाँ पर किराएदार बनकर आई है क्योंकि वो जैक पर नजर रखना चाहती थी। यहाँ पर वन ऑफ डेजी चोरों के लीडर की गर्लफ्रेंड थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए और वो एक छोटी सी चाबी डेजी को देता है और उसे वापिस जैक के घर में भेज देता है। अगले दिन डेजी जब मार्केट में जाती है तो जैक उसकी बेटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी कोई भी जवाब नहीं देती। जैक एक बात नोटिस करता है कि डेजी की बेटी हर वक्त जैक के डॉग के कान में कुछ बिन बिन आती है, यानी कि कुछ बात करती है। जैक यहाँ पर जानना चाहता था कि डेजी की बेटी उसके डॉग के कान में क्या बोल रही है। इसीलिए जैक अपने डॉग के कान में एक माइक रिकॉर्डर अटैच कर देता है। जैक को बहनों की यहाँ पर यह साफ साफ पता लग चुका था कि पास के घर में जो प्लानिंग चल रही है वो एक बैंक रॉबरी की है, यानी कि वो उस घर से गड्ढा खोदेंगे, यानी कि सुरंग, और वो सुरंग सीधा बैंक के ऊपर निकलेगी। वहां से वो सारा पैसा चुरा कर एक छोटी सी ट्रॉली के जरिए यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। चोरों की टीम में से एक मेंबर बैंक का एड्रेस किसी और को बता रहा था, इसलिए चोरों का लीडर उसे अपने पास बुलाता है और उसे वही के वही भाई लोग मार देता है। यहाँ पर भाई लोग जैक के पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज थी। वो पुलिस के पास भी जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं कि एक पुलिस वाला भी इन सभी के साथ मिला हुआ है और वही लाश को ठिकाने लगाएगा। इसीलिए यहाँ पर वह लोग जैक ये सारी बातें किसी को भी नहीं बताता। रात को जब डेजी आती है तो जैक उसकी वाइन में बेहोशी की दवाई मिला देता है। जैसे ही डेजी वो वाइन पीती है डेजी बेहोश हो जाती है। जैक मौका देखकर डेजी को पूरी तरह से बांध देता है बेड पर। जैक को वह लोग रिकॉर्डिंग में यह पता चला था कि पुलिस वाले ने उन सभी चोरों को वॉर्न किया था कि 747 और 748 उन दोनों लोगों में से कोई भी कुछ भी नहीं लेगा साला वरना मार डालूंगा। अगले दिन वह लोग जैक डेजी को सारी हकीकत बयां करता है कि ये तुम गलत लोगों का साथ दे रही हो, लेकिन डेजी जैक को कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड को थोड़े से पैसों की जरूरत है, इसलिए वो यही सब कर रहा है। हालांकि वो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तभी जैक उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें लीडर किसी को मार रहा था। अब ये सारी बातें देखकर डेजी बुरी तरह से वह लोग दुखी हो चुकी थी और रोने लगी थी। जैक को यहाँ पर पता चलता है कि पैसे ट्रांसफर होने की जो वो लारी है वो उसके घर के नीचे से जाएगी, इसीलिए जैक अपने घर में भी गड्ढा खोदने लगता है ताकि जब ट्रॉली यहाँ से वहाँ जाए तो जैक थोड़े से पैसे उसमें से निकाल ले। डेजी यहाँ पर वह लोग जैक को यह सारी चीज़ें करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर तुम पकड़ गए तो तुम भी बहुत मारे जाओगे, लेकिन जैक यहाँ पर किसी की भी एक भी बात नहीं सुन पा। लेकिन इन सभी चक्कर में वह लोग थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी थी क्योंकि चोरों के लीडर को पता चल चुका था कि पैसे ट्रांसफर की वाली सुरंग में थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला है और वो गलत रास्ता है, इसलिए वो रास्ता बदल देते हैं और साथ में वो ट्रोली को भी बदल देते हैं।
ट्रॉली के जरिए वहाँ पर वो एक बॉक्स रख देते हैं जो कि ऊपर से बंद था। अभी जैक उसमें से ऊपर से पैसा नहीं निकाल सकता था। अभी वह लोग यहाँ पर जैक पूरी तरह से निराश हो चुका था और उसका सारा प्लान बिगड़ चुका था। जैक देखता है कि बैंक का कोई बंदा वहाँ पर आ चुका है और वो लीडर से ये कह रहा है कि 155 नंबर के लॉकर में जो भी सामान है वो तुझे टच भी नहीं करना है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स मुझे ला कर देना है। यानी कि यहाँ पर वह लोग बैंक वाला भी इन सभी घोटालों में यह शामिल था। थोड़ी ही देर में वह लोग चोरों के लीडर का डेजी पर फोन आता है, लेकिन डेजी उस कॉल को नहीं उठाती। जैक उसे कहता है कि उसके साथ अच्छी तरह से बात कर, लेकिन डेजी उसे साफ साफ मना कर देती और फोन वहीं के वहीं कट जाता है। उसके बाद जैक अपने डॉग में जो वॉइस रिकॉर्डर लगा जाता वो सारी रिकॉर्डिंग डेजी को सुनाता है, जिसमें उसकी बच्ची साफ साफ तौर से यह कह रही होती है कि मेरी माँ का बॉयफ्रेंड है और वो जब मेरी माँ घर पर नहीं होती तब मेरे पास आता है और गलत तरह तरीके से मुझे छूने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी वो सना घर पर आता है मैं कहीं ना कहीं पर चुप जाती हूँ। ये रिकॉर्डिंग सुनकर वाइड ऑफ डेजी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और वो अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो जैक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी अच्छे से बातचीत करती है। अभी वह लोग और आती है जब ये रोबर्स सुरंग के नीचे धड़ाका करके बैंक के फ्लोर को तोड़कर बैंक में डाका डालने के लिए तैयार थे। लेकिन इन सभी से पहले जैक नीचे जाता है और पानी के पाइप के जाकर उसे ब्लास्ट कर बैंक के कमरे की सतह को तोड़कर ऊपर से ना जाता है और वहाँ पर ढेर सारे पैसे और जेवरात चुरा कर वहाँ से निकल लेता है। चोरों की टीम वहाँ पर विस्फोट करती है और वो वहाँ पर अपनी चोरी बाजी सफर होती करने लगती है। उन लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था कि ये सब उसके की वजह से हुई है। जैक के बम की वजह से टनल पर बुरी तरह से पानी भर चुका था, इसीलिए रोबर्स की टीम जब वापस आती है तो पानी इतना ज्यादा था कि वो वापस आ ही नहीं पाते। इसीलिए दो लोगों को ना चाहते हुए भी वापस लोबर रूम में पहुंच जाना पड़ता है। लेकिन तब तक वहाँ पर सेफ्टी अलार्म बज चुका था और वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। टनल के अंदर चोरों की टीम में से एक लड़की थी, वो फंसी हुई थी। जैक उसकी मदद करना चाहता था लेकिन वो लड़की जैक को देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी, इसीलिए जैक उसकी मदद नहीं करता और वो लड़की बेचारी वहीं का वहीं मारी जाती है। चोरों का लीडर बहनों के ऊपर किसी भी तरह से बच चुका था और वो अपना चोरी का माल और अपने भाई के साथ वहां से निकल चुका था। जैक पुलिस वालों के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे घर में पानी भरा हुआ है। पुलिस वाले वहां पर चेकिंग करते हैं और चोरों की टीम में जो पुलिस वाला मिला हुआ था वो जैक से उसका नंबर मांगता है, लेकिन जैक अपना नंबर देने के बजाय उस डेजी का नंबर उसे थमा देता है। वह लोग थोड़ी ही देर में जो बैंक वाला चोरों की टीम के साथ मिला हुआ था उसका चोरों के लीडर पर फोन आता है, उसे कहता है कि तुम ऐसा ने वो नौकर क्यों चुरा लिया, मैंने तुझे साफ साफ मना किया था। क्योंकि वह लोग यहाँ पर वो दोनों लोकर उसी के थे। अभी वह लोग यहाँ पर लीडर को बुरी तरह से शक होता है और वो भागा भागा जैक के घर पर चला आता है। चोरों का लीडर यहाँ पर वह लोग जैक से पूछता है कि तुम लोग कितने लोग यहाँ पर रहते हो। जैक यहाँ पर उसे बताता है कि मेरे घर पर दो किराएदार रहने आए थे लेकिन वो अगले ही दिन यहाँ से चले गए हैं। लेकिन तभी डेजी की बेटी वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर जैक का झूठ साफ साफ पकड़ा जाता है। चोरों का लीडर अंदर जाता है तो वो देखता है कि डेजी बेहोशी की हालत में पूरी की पूरी तरह से नींद पे पड़ी हुई थी, यानी कि यहाँ पर जैक ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था। चोरों का लीडर जैक से कई सवाल पूछता है लेकिन जैक उस सारे सवालों पर गलत जवाब देता है, इसीलिए लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो लात मार कर जैक को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर वह लोग चोरों की टीम मिलकर जैक को बुरी तरह से मारने पीटने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में डेजी को होश आ जाता है और वहाँ पर पड़ी एक गन को उठाकर वहाँ पर शूट एंड साइड करने लगती है, जिसमें चोरों की सारी टीम मारी जाती है। थोड़ी ही देर में वह लोग वहाँ पर बैंक वाला पहुँच जाता है जो कि इन चोरों के साथ मिला हुआ था। उसे पता चल चुका था कि उसके दो लॉकर में से जैक ने ही चोरी की है। वो उसे अपनी सारी चीजें वापस मांगता है, मतलब कि जैक से, लेकिन जैक सारी चीजें देने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि जैक के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी। अब यहाँ पर वाइडो को वो बैंक का आदमी भी बुरी तरह से बौखला चुका था। वो टेंशन में वहां से अपनी कार लेकर चला जाता है, लेकिन टेंशन में उसकी कार क्रैश कर जाती है
जिसमें वो बेमौत मारा जाता है। अब यहाँ पर बहनों जैक के खिलाफ कोई भी सबूत किसी के पास भी नहीं था, इसलिए वो और डेजी अपना एक नया परिवार शुरू करते हैं। और उसके पास ढेर सारे पैसे भी थे देख रोबरे के, उसके जरिए वो अपनी लाइफ को सुखपंथी से जियेंगे। और यहाँ पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी है मूवी हम लोग भाई को बताना कमेंट में।